ब्रजमंडल के 12 वनों में सबसे बड़ा वन है काम्य वन, जिसे वर्तमान में कामा के नाम से जाना जाता है। यही वो प्राचीन वृंदावन है जहाँ श्री कृष्ण बलराम गाय चराते थे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं से जुड़े कई प्राचीन स्थान और मंदिर हैं, जिनके दर्शनों के लिए संसार भर से लोग आते हैं। ब्रज यात्रा के आज के एपिसोड में हम पहुँचे हैं मदन मोहन मंदिर। यह मंदिर अन्य मंदिरों की तुलना में इतना ज्यादा पुराना नहीं है, परंतु फिर भी देश की आज़ादी से भी 60 वर्षों पहले का इतिहास रहा है इस मंदिर का। यहाँ आज भी श्री वल्लभाचार्य जी की पुष्टि मार्ग परंपरा के अनुसार ही ठाकुर जी की सेवा पूजा की जाती है। संपूर्ण भारत वर्ष में पुष्टि मार्ग सेवा की 7 गद्दियों में से यहाँ 7वीं गद्दी है। मंदिर का परिसर इतना विशाल है कि यह काममन के प्रमुख मंदिरों में शामिल है। अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ के जो सेवायत पंडित जी हैं उनसे हम बात करते हैं, मुखिया जी से, और यहाँ का जो इतिहास है क्या रहा है इतिहास और किस तरह से स्थापित हुए भगवान यहाँ, तो उनके बारे में जानते हैं। हिंदुस्तान में वल्लभ कुल की 7 पीठ हैं, उनमें से 7वीं गद्दी है ये, और इन सब के ऊपर प्रमुख पीठ जो है श्रीनाथ जी की है जो नाथद्वारा में स्थित है। यहाँ जो है बाल भाव की सेवा होती है, सुबह उठते ही मतलब जैसे और जगह कहीं मतलब ब्रह्मचारी भाव की है कहीं कुछ है, ये बाल भाव की सेवा होती है। यहाँ बाल भाव बाल दो पत्नी हैं, हाँ, राधा जी और चंद्रावली। अच्छा, अच्छा, मदन मोहन जी हैं, एक राधा जी हैं और एक चंद्र, मतलब इनके जो हम अगर दर्शन करेंगे तो मदन मोहन जी के दोनों तरफ जो हैं, इधर साइड में मतलब राधा जी हैं, इधर चंद्रावली। चंद्रावली, तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रावली जो है वो राधा रानी जी की अष्ट सखियों में से एक है। तरह से जो है यहाँ मदन मोहन जी हैं, उनके एक तरफ चंद्रावली माता हैं और दूसरी तरफ राधा रानी जी हैं। प्रभु जी, जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ कुछ चित्रण हमें नजर आ रहे हैं, उनके बारे में आप बताएंगे। ये ठाकुर जी के अष्ट सखा हैं, कृष्णदास जी हैं, परमानंद दास जी हैं, सूरदास जी हैं, ये सब भगवान के कीर्तन करते थे। बाद में दर्शन है राजभोग के हैं, उत्थापन के, सेन के, उसमें सब में कीर्तन का महत्व है। तो जो अपने अष्टछाप कवि जो हुए हैं, अष्टछाप का ही यहाँ सारा जो उन्होंने बनाया है उसके कीर्तन ठाकुर जी सुनाए जाते हैं। उसके बाद में फिर भोग है, ठाकुर जी को अच्छे अच्छे भोग लगाए जिसमें राजभोग होते हैं, डेली राजभोग होते हैं मंदिर में यहाँ जो ठाकुर जी के लिए ही है। उसके बाद में श्रृंगार का, ठाकुर जी का अच्छे अच्छे श्रृंगार किए जाते हैं, जैसे श्रृंगार होता है ठाकुर जी का अच्छा स्वरूप आता है, तो भक्तगण जो भी आते हैं दर्शन करने के लिए ठाकुर जी ब्रजवासियों को दर्शन देने के लिए ये सारी जो क्रियाएं हैं वो लौकिक अलौकिक कर रहे हैं, जो पहले से पूर्वांतर चला 500 वर्ष से पूर्व से भी चले आ रहे हैं। ये ठाकुर जी जो हैं वो ब्रजवासियों को दर्शन देने के लिए आते हैं, ऐसी मान्यता है आज भी कि ठाकुर जी ब्रज में ही रहते हैं, ब्रज में वास करते हैं और अपने ब्रजवासियों को दर्शन देने के लिए वो आते हैं। समय समय पर जैसे जैसे अपनी 6 ऋतु आती हैं उसी तरह ठाकुर जी के श्रृंगार होते हैं, श्रृंगार बड़े बड़े दूर से लोग आदर सुनाते, विदेशों से यहाँ आते हैं, काफ़ी जगह से आते हैं। यहाँ अपने जो श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज जो हैं वो यहाँ अभी गद्दी पे विराजमान हैं, महाराज श्री हैं, उनके सानिध्य में इस पूरे मंदिर का संचालन हो रहा है। और बड़े, हाँ, मेरा अगला प्रश्न यही था कि अभी वर्तमान में इस मंदिर का जो संचालन है वो कैसे हो रहा है और कौन जो है वो आपको दिखाएंगे, इधर बैठक में है। अच्छा, ये जो लोगो लगा हुआ है ये सप्तम पीठ का लोगो है, ये इसमें सारे लोग जितने भी हैं वो यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में से ठाकुर जी प्रकट हो रहे हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, ये मंदिर का एक विशाल और भव्य प्रांगण है, काफ़ी विशाल मंदिर है और आज वर्तमान में भी यहाँ एक अच्छी खासी अपनी पहचान रखता है मदन मोहन जी का मंदिर। अच्छा, ये बताइए मदन मोहन जी का जो मंदिर है वो करौली के अंदर है, क्या वो अलग है? वो अलग है। अच्छा अच्छा, वो मर्यादा मार्ग में आते हैं, ये पुष्टि मार्ग में आते हैं। ये पुष्टि मार्ग के हैं। अच्छा, ये पूरे भारत में 7 ही गद्दी हैं पुष्टि मार्ग, ये जो महाप्रभु जी के उनके वंशज के हैं। अच्छा अच्छा, ये मदन मोहन जी का पान घर और फूल घर है। क्या बात है, इसमें फूल की सेवा होती है ठाकुर जी की माला की रोज अपरस में, और पान बनाए जाते हैं बीड़ा। अच्छा, ये प्रभु जी ये बताइए, इस पर इधर लिखा हुआ है जनाना, तो ये क्या अलग सेक्शन है क्या? हाँ, ये अलग सेक्शन है, इसमें यहाँ पे जो महाराज श्री विराजते हैं उनकी जो घर से होती हैं वो सारे एक साइड में जनाने में वहीं रहती हैं। अच्छा अच्छा,
और ये आप दर्शन कीजिए सप्तम घर घनश्याम जी की बैठक जी। अंदर से ले लो, दिखा दो ये बैठक जी। जिन्होंने ये मंदिर स्थापित किया वो घनश्याम जी हैं, ये उन्हीं की गद्दी है, ये सातवीं गद्दी जब इसी निरंतर चली आ रही है और निरंतर सेवा लगातार चली आ रही है। फिलहाल जो है वर्तमान में जो ब्रजेश कुमार जी महाराज हैं सप्तम पीठाधीश्वर हैं। ब्रजेश कुमार जी के पिताजी घनश्याम लाल जी महाराज, इन्होंने करीबन 88 साल सेवा करी, 88 साल। अब उसके पहले श्री गोपाल लाल जी महाराज, इनके पिताजी का नाम घनश्याम लाल जी के पिताजी का नाम गोपाल लाल जी महाराज, इनके नाम से कामा में एक गोपालपुरा नाम का एक जगह जगह भी है। देखिए अब आपको बाहर से मंदिर का प्रांगण दिखा देते हैं, कितना सुंदर और कितना भव्य। ये देखिए ये हमारे मंदिर का जो ठाकुर जी के जो वस्त्रों की सेवा होती है वो यहाँ होती है पूरी, कहीं बाहर से वस्त्र नहीं बन के आते हैं, सारे वस्त्र यहीं बनाए जाते हैं। ये हमारे मंदिर का कृष्ण भंडार है, इसमें मंदिर का पूरा लेखा जोखा कागजी कार्यवाही सारी यहीं होती है। इसमें बाहर से जो भी परदेशी आते हैं वैष्णव आते हैं उनके लिए रुकने की खाने पीने की व्यवस्था सारी है। मतलब क्या कुछ पे करना पड़ता है या नहीं सेवा में? अच्छा, वो जो भी आप अपनी इच्छा से कुछ जमा कराना चाहो तो वो आप यहाँ जमा करा सकते हो, अदरवाइज ये बिल्कुल निशुल्क है। निशुल्क है। ये मंदिर के प्रांगण में किलोल करते हुए कुछ खरगोश आपको दिखाई दे रहे हैं, कितनी सुंदर लग रहे हैं। इनके इस जमीन के अंदर भी देखिए इन्होंने वो अपने घर बना रखे हैं और इसके अंदर हैं। पूरा मंदिर का जो प्रांगण है उसमें आपको ये किलोल करते हुए आपको दिख जाएंगे, देखिए जगह जगह पर। और आप उधर भी देखिए, ये देखिए वो बैठे हुए हैं वहाँ पर। ये देखिए देखिए ये मैनेजर साहब इनको बुला रहे हैं और देखिए किस तरह से इनकी भीड़ यहाँ इकट्ठी हो गई है। उसमें जो भी वहाँ पर परदेशी आते हैं 100, 200, 150 वो सब यहाँ भोजन करते हैं। ये रसोई है, ये पूरी ऊपर रसोई है। आप जब भी यहाँ काम्यवन की यात्रा पर अगर आए तो मदन मोहन जी के मंदिर में इस तरह की व्यवस्थाएँ आपको मिल जाएंगी और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। चलते खाने की व्यवस्था की जाती है, जिनको धरती पर नहीं बैठा जाता है उनके लिए टेबल कुर्सी की व्यवस्था है जी। काफ़ी विशाल रसोई है, आगे भी कुछ सेक्शन हमें नज़र आ रहे हैं। ये भंडार है, ये, हाँ, ये तो काफ़ी पुराने फोटो दिख रहे हैं सर, दूसरे नंबर के हैं जी। अभी जो वर्तमान में जो यहाँ के जो संचालन करते हैं वो ये इधर से दूसरे नंबर के, ये छोटी दिख रहे हैं? नहीं, छोटे के बगल में। अच्छा 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 अच्छा, ये मंदिर का ऊपर का है जो अभी आप दर्शन कर रहे थे, सारा जो ठाकुर जी का भोग बन के आता है वो यहाँ पे बटता है। अच्छा, अभी रात भोग हो चुके हैं तो यहाँ बटे हैं सारे। जी जी जी, मंदिर के बिल्कुल ऊपर का गर्भगृह के ऊपर का हिस्सा तो ये है शायद। अच्छा, काफ़ी प्राचीन, ये इनकी दीवारों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना प्राचीन रहा है ये मंदिर। ये वो चौक आ गया जिसमें से अपन ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। आज आपको मंदिर के एक एक कोने कोने के दर्शन कराएंगे आपको, और कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सबका जाना संभव नहीं है। हाँ, संभव नहीं है, तो उन स्थानों के भी ये दर्शन करा रहे हैं। ये यहाँ के मैनेजर साहब हैं और यहाँ की जो मैनेजमेंट को यही संभालते हैं, इन्होंने हमें पूरे मंदिर के
बहुत ही अच्छे से दर्शन कराए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मंदिर का जो जहाँ से आप प्रवेश करते हैं, ये जो मुख्य द्वार है, ये वो है प्रांगण। अच्छा, मंदिर के अंदर ये लिफ्ट भी लगी हुई है। अच्छा महाराज जी, ऊपर आने के लिए ये लिफ्ट जो है यहाँ से आएंगे और यहाँ शायद इस रास्ते के थ्रू ये रसोई तक जाने का है ये। अच्छा अच्छा, और नीचे से भी आ सकते हैं। हाँ। और यहाँ से भी जिन पर छड़ा नहीं जाए जी जी सीढ़ियों पर, तो वो लिफ्ट के जरिए रसोई में जा सकते हैं। लिफ्ट के जरिए जा सकते। ब्रज में जो गाय होती है उनकी सेवा अपने आप में एक अद्भुत होती है। ये गौशाला है मदन मोहन मंदिर की, ये देखिए कितने गौवंश हैं सब यहाँ पे। बीमारी में कटवार गाय मर गई। अच्छा अच्छा, 20 से करीब गौवंश हैं जिनमें से अब वर्तमान में 17-18 गाय हैं, जिनके बछड़े भी हैं। ये दूध देती हैं या क्या? ये दूध देने वाली गाय हैं, जिनका जो दूध है वो ठाकुर जी के लिए जाता है सेवा में। अच्छा, ठाकुर जी का प्रसाद के लिए, ठाकुर जी का यहीं से जाता है, बाहर से दूध नहीं जाता है। या मंदिर की जो सेवा है उसके लिए दूध यहीं से ही गायों का ही जाता है। गायों का जो दूध होता है बहुत ही पवित्र माना जाता है, और मंदिरों के मंदिरों और देवालयों में गाय का ही दूध समर्पित किया जाता है, और जो कि मंदिर के प्रसादी के अंदर इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ की जो सेवा होती है वो किस तरह से कैसे आती है, यहाँ क्या क्या खर्चा? यहाँ की जो सेवा है, जो वैष्णव जो है, अच्छा जो वैष्णव जो है, वैष्णवों के द्वारा यहाँ सेवा की जाती है। यहाँ उनके द्वारा ही यहाँ सारी चीजें आती हैं, जो भी सेवा है वैष्णवों के द्वारा ही। गौ माता जिनकी श्रद्धा है, गाय को तो अपने हिंदू धर्म में सबसे उत्तम माना गया है, सबसे अच्छा दर्जा, माँ का दूसरा दर्जा गौ माता के लिए दिया गया है। तो गायों की सेवा होती है ब्रज क्षेत्र, ब्रज में तो गायों का वैसे भी वास है। और ये गौचारण है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण की गौचारण स्थली है जहाँ पर भगवान गायों को चराया। तो गायों के प्रति विशेष जो लगाव जो है वो ब्रजवासियों का भी है, और बाहर से जो वैष्णव हैं, जो अपना गुजरात से है, बॉम्बे से है, महाराष्ट्र से, जहाँ से भी जो लोग हैं, जो अनन्य भक्त हैं ठाकुर जी के, भगवान श्री कृष्ण के, वो अपना पूरा सहयोग देते हैं गौशाला चलाने के। देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ गौवंश हैं, ये देखिए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों व परिवार के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम आपको संपूर्ण ब्रज धाम की यात्रा करा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा लीजिए और घर बैठे यात्रा का आनंद लीजिए। तो मिलते हैं ब्रज यात्रा के अगले एपिसोड में। जय श्री राधे कृष्णा।